अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और दूसरी बात ये कि डायबिटीज़ जो है बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको आम तौर पे एक बीमारी समझ के लोग परेशान होते हैं, लेकिन जनरली अगर इसको आप सिर्फ कंट्रोल रखें, इसमें बेसिकली होता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है बॉडी के अंदर जो आपके मसल्स के अंदर ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है, या तो उसकी सिक्रीशन इफेक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, या उसकी फॉर्मेशन गलत होती है, यानी कि वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, या फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं जिस्म के अंदर, अपना जिस्म ही उसको खाना शुरू कर देता है, या फिर जनाबे वाली जो जैसे मैंने आपको बताया कि मसल्स के अंदर ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, तो वो जनाबे वाली अंदर दाखिल नहीं हो पाता है, इंसुलिन लॉक इन की मैकेनिज्म होता है आम अल्फाज में, तो जनाबे वाली उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जिस्म में जो निज़ाम हाजमा आता है जिसको GIT कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक कहते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम जो कहते हैं, इसका एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज जो कि बिल्कुल एडजेसेंट होता है, एक साइड पर लिवर होता है, लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है, उसके साथ पेनक्रियाज पड़ा होता है, तो वो पेनक्रियाज जो है उसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं और हर सेल के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उसमें अल्फा सेल्स होते हैं, उसमें बीटा सेल्स होते हैं, तो अल्फा सेल्स ये बीटा सेल्स जो हैं पेनक्रियाज के वो इंसुलिन बनाते हैं, तो ये है जो मतलब उससे सीक्रेट होता है। ब्लड और ब्लड के थ्रू पूरी मीडियम, देखें मीडियम कोई भी चीज बॉडी के अंदर है वो है मीडियम, आपका ब्लड है मीडियम ट्रांसपोर्टेशन का, उसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं। टाइप वन जो है, पहले उस टाइप वन पे हम पहले बात करते थे, टाइप वन जो है वो ज्यादातर के होती ही बच्चों में है, बचपन की डायबिटीज होती है, उसमें जैसे मैंने बताया ऑटो इम्यूनिटी को आम अल्फाज में जैसे कि मुझे पहले बताया गया था कि इंटरव्यू आम पॉपुलेशन को मतलब सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस कर रहा है, तो ऑटो इम्यूनिटी हर किसी की समझ नहीं आती, तो ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं कि जिस्म की कुव्वत मुदाफियत जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है और वो जनाबे वाली अपने अंदर सेहत बर्बाद करनी शुरू कर देती है, तो ये है आपका कुव्वत मुदाफियत, ये इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, तो जिस्म खुद ब खुद इंसुलिन को तोड़ना शुरू कर देता है, अंदर उसके सेल बन जाते हैं जो या तो पेंक्रियास के बीटा सेल्स को अफेक्ट करते हैं या जनाबे वाली इंसुलिन जो बनती है उसको तोड़ देते हैं, यानी ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है या तो बीटा सेल्स के अगेंस्ट या फिर इंसुलिन के अगेंस्ट, तो जनाबे वाली इंसुलिन आगे पहुंच ही नहीं पाती, इसीलिए कहते हैं कि टाइप वन का पेशेंट जो है, अच्छा ये भी एक बड़ी बात है, जब बात यहां तक चल रही है बता दूं कि टाइप वन का पेशेंट जो है बगैर इंसुलिन के उसका सर्वाइवल, इंसुलिन इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन फॉर द पेशेंट विद टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है जी। टाइप टू डायबिटीज पे आते हैं, लाइकवाइज टाइप टू डायबिटीज जो है उसका मेजर इंपैक्ट जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन होती है, मतलब ये इनहेरिटेंस में होती है, डायबिटिक डीएम टाइप टू यानी डायबिटीज मेलाइटिस टाइप टू, ये बेसिकली जनाबे वाली या तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है या पेनक्रियास की इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है या इंसुलिन की सिक्रीशन डिफेक्टिव होती है, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि टाइप टू डायबिटीज के अंदर जो ये सेल्स के अंदर इंसुलिन को जाना होता है वो लॉक इन की मैकेनिज्म उसको कहते हैं रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर आप ओरल पे भी चल सकते हैं और इंसुलिन पे भी चल सकते हैं, वो डिपेंडिंग वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, तो ये है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज।